हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये है ये पाकिस्तान की मीडिया में जो हिंदुस्तान के चर्चे हो रहे हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में ये वीडियो है फ्रेंड्स। और जो मोदी जी हाल ही में अमेरिका गए थे, उसके बारे में अमेरिका में क्या क्या करके आए हैं, वो थोड़ा पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है फ्रेंड्स। थोड़ा उनको मन में दिक्कतें भी हुई होगी, लेकिन मुंह से तो बात करनी पड़ेगी ना, क्या करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं जो अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री का डंका बजाना जो पूरे विश्व ने देखा, वो पाकिस्तान ने फील किया। हाँ, तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट। भारत आज वो किस तरह दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में ग्रैहम एलिसन जो कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने आर्टिकल लिख दी, इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा, पीछे छोड़ देगा फॉर नेक्स्ट सुपर पावर। और वो कह रहे हैं पॉपुलेशन की मिसालें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब उनकी जीडीपी बड़ी ज्यादा ग्रो कर रही है। अभी अभी एक रिसर्च आई है कुछ दिन पहले, जिसमें ये बोला गया कि इंडिया ओवरटेक कर सकता है चाइना को एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और देन जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो एतमाद मिला है, उस एतमाद का मुकाबले ही कोई। सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी बनने वाला है। दिस इज इंडियाज मोमेंट, और इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। हम लोग बहुत देर से, जब से हमें आजादी मिली है, हम इस मोमेंट की वेट कर रहे थे कि इंडिया कब आगे आएगा। इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, शोस दैट अमेरिकन स्कॉलर्स आर टेकिंग इंडिया मोर सीरियसली। समझे, अगर इंडिया को सीरियस नहीं लेते तो फॉरेन अफेयर्स में एशले टेलिस का और ग्राहम एलिसन का फॉरेन पॉलिसी में क्यों छपता? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन्यूज ना। मुकेश अंबानी हमारे जैसे कई बुल खरीद सकता है ये शख्स। सारे का सारा जो वेस्टर्न प्रेस है वो इंडिया के हक में और तारीफ में बातें कर रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भीख मांग रहा है दुनिया से, लिटरली भीख मांग रहा है अफ्रीकन बैंक से। भाई बिना नाम लिए एक को तो कटोरा दे दिया, दूसरे की रीढ़ की हड्डी निकाल दी, अब और क्या, अब नाम लेके तो क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराए कि भारत बहुत जल्द चीन को पछाड़ देगा। दरअसल फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल छपा है जिसके अनुसार भारत आने वाले कुछ सालों में चीन से भी आगे निकल जाएगा। जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, वो समय दूर नहीं जब भारत चीन को पछाड़कर चीन से आगे निकल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की विदेश यात्रा के बाद, या यूं कहें कि अमेरिका दौरे के बाद, कई सवाल सामने आकर खड़े हो गए हैं। क्या भारत ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा सौदागर बनने की ओर निकल पड़ा है? क्या बिजनेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग की बिसात पर भारत ने अपना सबसे बड़ा दाव चल दिया है, जिससे चीन से आने वाले समय में टकराव और तीखा हो चलेगा? सबसे अहम सवाल यह है कि भारत दुनिया की उस सप्लाई को पूरा करने में सफल हो सकेगा जिसमें चीन कभी बाजीगर की भूमिका निभा रहा था, और कोविड आने के बाद इसके खत्म होते होते दुनिया के सामने वो बाजीगरी भी खत्म होती चली जा रही है। कुछ ही समय में भारत के चीन को पछाड़ने पर पाकिस्तानी मीडिया में जोरों शोरों से बहस शुरू हो चुकी है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत आज वो किस तरह दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है। मोदी का इतना करिश्माती दौरा हुआ है भारत में, अब अमेरिका में, ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि आज हमें दुनिया किस तरह, यानी हमारा वज़ीर आज़म खुद रिक्वेस्ट कर रहा है IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से, दुनिया के सफीरों से खुद कह रहा है कि पैसे दो, कोई नहीं पैसे दे रहा। और इधर क्या हो रहा है ये देखिए, मोदी जब गया भारत अमेरिका, अभी व्हाइट हाउस में मोदी के लिए इशाइया रखा गया, उस इशाइया में कौन कौन सी शख्सियात को बुलाया गया ये वीडियो देखें, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन आ रहा है। ये है जी अनंत महिंद्रा, जो चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के, अरबपति शख्सियात दुनिया की। आगे देखे जी, ये है इंदिरा नुई, जो कि सीईओ है पेप्सी की, इंडियन है, अमेरिका में होती है, सीईओ है पेप्सी की। आगे देखें,
शंतनु नारायण, ये सीईओ है अडोब, उसका। ये मुकेश अंबानी, चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल, मुकेश अंबानी हमारे जैसे कई बुल खरीद सकता है ये शख्स। ये मोदी के एहसास में डिनर हो रहा है, अमेरिका की रियासत कर रही है। हम कहां खड़े हुए, हम आईएमएफ के सामने भीख मांग रहे हैं, बड़ा वजीर आजम भीख मांग रहे हैं। आगे देखें, राल्फ लॉरेन, ये फैशन डिजाइनर है, बहुत बड़ा नाम है दुनिया की फैशन इंडस्ट्री का। हमारा वजीर आजम, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल की बात थी, लेकिन हमारे वजीर आजम को बार बार भीख मांगनी पड़ रही है कि भाई पैसे दे दो, आईएमएफ का प्लान दे दो। और पैसे कितने मिल रहे, सवा अरब डॉलर। पूरा मुल्क जागो अपना 1.5 साल से, किससे सवाल करें, कौन जवाब देगा कि ये सब कैसे हुआ है, कौन कर रहा है, किसने इस मुल्क को इस नेचुरे पहुंचा दिया है। ये वही जमाते हैं ना जो बार बार इकतदार में आती रही। आगे देखिएगा, ये अभी और कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनको वहां मीडिया पहुंचा हुआ है उस रिसेप्शन के ऊपर। आगे जनाब सत्या नडेला, ये सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के। आगे आ रहे हैं जनाब सुंदर पिचाय, जो कि गूगल एंड अल्फाबेट का सीईओ है। सुंदर पिचाय, ये गूगल का सीईओ है, इंडियन है, भारतीय है। ये अमेरिका के सदर ने इन सबको दावत दी है, इन सबको बुलाया है। ये टिम कुक, एप्पल का सीईओ। सिर्फ भारतीय अरबपति शख्सियात नहीं, अमरीकी शख्सियात को भी बुलाया गया है मोदी की रिसेप्शन में। सोचें कुछ हम कहां खड़े हैं, किसने हशर कर दिया इस मुल्क का, किससे सवाल करें ये कौम। 75 साल का सफर ये तय किया, उन्होंने भी तो हमारे साथ सफर तय किया ना 75 साल का भारत ने। आज उसके वजीर आजम को क्या रिसेप्शन मिल रही है, और हमारा वजीर आजम इन्हीं दिनों में, यानी जिन दिनों में पाकिस्तान भारतीय वजीर आजम को व्हाइट हाउस में ये सब कुछ उसके एजाज में किया जा रहा है, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान का वजीर आजम पेरिस में आईएमएफ के डायरेक्टर को मिलकर उससे कह रहा है मुझे पैसे दे। पाकिस्तान का वजीर खजाना यहाँ भीख मांग रहा है। अभी अभी एक रिश्ता चाहिए कुछ दिन पहले, जिसमें ये बोला गया कि इंडिया ओवरटेक कर सकता है चाइना को, एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड चाइना पहले ही ओवरटेक करने जा रहा है अमेरिका को। हम लोग आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले ये पूछते थे कि क्या चाइना अमेरिका को ओवरटेक करेगा, 10 साल पहले हम पूछना शुरू हो गए कि कब करेगा, और अब सब बोलते हैं ओवरटेक तो कर ही लेगा, जल्दी ही कर लेगा, राइट। और ऐसे ही अब बोला जा रहा है कि इंडिया भी, अमेरिका का तो खैर चल ही जाएगा अगले 15-20 साल में, लेकिन उसके बाद चाइना को ओवरटेक करेगा और नंबर वन इकोनॉमी बनेगा। क्या ऐसा कुछ आप भी सोचते हैं सुमित जैन साहब? कॉफी पीजिए और एंजॉय कीजिए, जो इंडिया का मूवमेंट है ये। मोदी जी ने बोला दिस इज इंडियाज मूवमेंट, और इस मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। हम लोग बहुत देर से, जब से हमें आजादी मिली है, हम इस मूवमेंट की वेट कर रहे थे कि इंडिया कब आगे आएगा, और मोदी जी वो मूवमेंट लेकर आ गए हैं। मैं फख्र करता हूँ यहाँ बैठकर, जब मैं देखता हूँ अपनी इंडिया की पावर जैसे बढ़ रही है, जैसे एक अपना नाम हो रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव किया जाता है, और ऐसे कल्चर्स में जहाँ पे पैरों को हाथ लगाना उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री के सामने बिल्कुल झुक कर वो पैरों को हाथ लगाते हैं। मुझे तो एक बार लगा जब ये अमेरिका में थे कि बाइडन भी कहीं ना कहीं इनको पैरों को हाथ लगाने वाला था, लेकिन वो कहीं गिर ना जाए इसलिए लगाई थी उसने, लेकिन वो लगाते रहे उसने, जैसे जैसे उन्होंने मैं कि जैसे सभी लोग इनके सामने बिछ जाते हैं कारपेट की तरह, वो हालत थी अमेरिका के अंदर, इजिप्ट के अंदर और बाकी वर्ल्ड में। मैं फख्र होता है। और ये बेसिकली पता है एक चाय का टाइम भी है, और आप लोगों को पॉप। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर सी वीडियो, और पाकिस्तान की मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि चाइना को एज ए सुपर पावर ओवरटेक इंडिया कहीं ना कहीं कर लेगा, तो उनको थोड़ी चिंता भी हो रही है, क्योंकि उनके करीबी दोस्त है आज, मतलब आज के युग में अगर डीपली कोई उनका कोई मददगार माने तो वो चाइना है, तो इसलिए उनको थोड़ी चिंता भी उन लोगों को हो रही है। उन लोगों को भारत की कामयाबी देख के चिंता तो उनकी बातों से मेरे को नहीं लगा, लेकिन उनको दुख दुख
थोड़ा मतलब सोचने पे वो मजबूर जरूर हो गए हैं कि दोनों एक ही साथ दोनों मतलब डिवाइड हुए थे, अलग अलग हुए हैं, लेकिन आज हम कहाँ हैं, हमारा भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। हालांकि पाकिस्तान की ऐसी हालत देख के हम लोगों को कोई हंसी नहीं आती है, हम लोग एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो कारनामे ऐसे किए हैं ना, उस कारनामे हम लोगों को देख देख के दुख होता है और हमको गुस्सा आता है जो हमारे भारत में उन लोगों ने किया है और आज भी वो सुधर नहीं रहा है। उनकी आवाम इतनी दिक्कतें हैं, उनके पास बेचारे के पास आटा नहीं है खाने की, इतनी ट्रबल कर रही है, फिर भी वो लोग सुधर नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। अरे अपने लिए नहीं, अपनी कुर्सियों के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए वो लोग सुधर नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। जनता है तो कुर्सी है और वही सेम चीज़ मैं भारत के लोगों को नहीं भारत के पॉलिटिकल लोगों को बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स के आप मोदी के विरोध हो सकते हैं विरोध, लेकिन भारत के विरोध तो आप है नहीं ना, भारत के विरोधी तो भारत है तो कुर्सी है और भारत है तो पॉलिटिकल है, वरना कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और बाहर जो मोदी जी का डंका बज रहा है वो नरेंद्र मोदी जी का नहीं बज रहा है, वो भारत का बज रहा है फ्रेंड्स। मोदी जी केवल और केवल भारत के पीएम की तौर पे जाते हैं तभी डंका भारत का बज रहा है। उस चीज़ों को आज हमारा गोल्डन युग चल रहा है, गोल्डन युग नहीं मैं तो बोलूँ डायमंड युग चल रहा है फ्रेंड्स। उनको एंजॉय करो और उनमें हो सके उतने सपोर्ट करो कि और हमारा भारत आगे बढ़े फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बात है, मैं हमेशा हर चीज़ में ये बात रखती हूँ कि जब आपका परिवार और आपका दोस्त तारीफ करे ना वो तो होते रहता है, लेकिन जब आप एक दुश्मन के तौर पे पाकिस्तान हम लोगों को देखता है फ्रेंड्स, लेकिन जब वो तारीफ कर रहा है ना तो सही में कुछ बदल रहा है फ्रेंड। तो जो बदलता हुआ युग है, हमारा बढ़ता हुआ भारत है और बढ़ता हुआ भारत का कद है, उनको फ्रेंड्स आप एंजॉय करो और उनमें कंट्रीब्यूशन दो, उनको सपोर्ट करो फ्रेंड्स। और रही बात इसमें बोला कि भारत के जो बड़े बड़े कंपनियों के, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के जो भारत मूल के जो सीईओ है, तो फ्रेंड ये तो भारत तो अमेरिका की कंपनी के सीईओ है, लेकिन अब भारत पूरे वर्ल्ड का सीईओ बनने जा रहा है फ्रेंड्स। ऐसे हमारे भारत का आज प्रोग्रेस युग चल रहा है फ्रेंड्स। और बोले कि बड़े बड़े आदमी आए हैं, एक तो भूल ही गया जिसके साथ टेस्ला के मालिक मैं भूल गई, एलोन मस्क ऐसे कुछ नाम है ना, उनके साथ मोदी जी ने मीटिंग की, वो क्यों पाकिस्तान ने नहीं देखी, दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है फ्रेंड्स। और उनके साथ जो टेस्ला की जो कारें है वो बहुत फेमस है फ्रेंड्स, तो टेस्ला की कारें इंडिया में नहीं बनती थी, मोदी जी ने उनके साथ मीटिंग करके ये भी करार कर लिया कि अब टेस्ला की कारें ज़्यादातर चाइना में बनती है, अमेरिका से भी, कंपनी अमेरिका की है लेकिन अमेरिका से भी ज़्यादा चाइना में बनती है फ्रेंड्स, तो वो भी चाइना से थोड़ा थोड़ा हमने छीन लिया। और अभी अभी वो टेस्ला की जो कारें हैं फ्रेंड्स वो अब इंडिया में भी बनेगी, तो बहुत ही डीप ये बात है और बहुत ही प्राउड वाली बात है फ्रेंड्स। तो हम तो पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं हमारे भारत के डायमंड युग को फ्रेंड्स। आप कर रहे हो कि नहीं कमेंट्स करना, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।